अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा व्लॉग सखी सरवर के बारे में है। सैयद अहमद सुल्तान अल मरूफ सखी सरवर लाल अली सरकार, इनका उर्स मुबारक हर साल मार्च और अप्रैल में होता है, जिससे पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क लोगों की बहुत सी तादाद यहाँ पे हाज़िरी के लिए आती है। मुल्तान से मगरब की तरफ तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाके पहाड़ों के दामन में डीजी खान से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे हज़रत सखी सरवर का दरबार है। हज़रत सखी सरवर का दरबार है, यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल लगाए जाते हैं, बहुत गहमा गहमी होती है। बहुत से बाजार सजाए जाते हैं जिसमें बच्चों की अशिया, इसके अलावा फोटो का भी बहुत ज़्यादा काम चलता है यहाँ पे। और लोग मिठाइयाँ लेके जाते हैं यहाँ से। ये एक तारीखी दरबार है, यहाँ पर बहुत सी ज़ियारात हैं हज़रत सखी सरवर के दरबार के अलावा। चार यार जो दरबार से मगरब की तरफ पहाड़ी पर वाके हैं, इसके अलावा बेरियां टाली वाली जगह, और हज़रत सखी सरवर का पंजाबी मशहूर है यहाँ पे। आज का हमारा व्लॉग इसी के बारे में है, सखी सरवर के बारे में। हर साल मार्च और अप्रैल में 40 दिन का मेला होता है और लाखों की तादाद में ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और रजब में यहाँ पे दो देगें पकती हैं, एक में आग जलाई जाती है एक के नीचे, और दूसरी बगैर आग के पकती है। ये हज़रत सखी सरवर की करामात में से एक करामत है। ये पूरे नज़ारे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टोटल पहाड़ी इलाका है। और एक पहाड़ी पे या अली मदद लिखा हुआ है जो कई किलोमीटर दूर से नज़र आता है। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार हैं और मेहमान नवाज हैं। और यहाँ पे बसने वाले मुजावर कहलाते हैं, जो आने वाले ज़ायरीन के लिए जगह का भी इंतज़ाम करते हैं।
ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। नाज़रीन, ऐसी बहुत सी वीडियोस, मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मार्शद व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।